أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله العظيم. सर अपना हमने सर अपना सर अपना सर अपना हमने आपके जो दर पे रख दिया उनके करो ताज मेरे सर पे रख दिया कोई कमी नहीं रही सब कुछ कमा लिया कोई कमी नहीं रही सब कुछ कमा लिया जब से हुजूर ने मुझे अपना बना दुनिया की सारी नेमतें उस पर निसार है दुनिया दुनिया उस पर निसार है जिसने भी सर को आपके दर पे झुका लिया कोई कमी नहीं रही सब कुछ कमा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार और आज की सहरी जो कि हमारी ट्रांसमिशन की आखिरी सहरी है और नाज़रीन इकराम हम यकूब रमज़ान से आज के दिन तक
आपके साथ शाना बेशाना रहे, जिसमें उलमा इकराम को भी आपने सुना, सियासी और समाजी रहनुमाओं को भी आपने देखा, लेकिन आज जो एक मखसूस महफिल का इनेकाद किया गया है, मेरी तबीयत भी नासाज है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि परवरदिगार आलम ने हमें तौबा के लिए मुंतखब किया है। हम गुनाह तो करते हैं, लेकिन तौबा का दरवाज़ा भी परवरदिगार ने खोल रखा है। अब जब परवरदिगार ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, तो इस रमज़ान और जब से इस कोरोना वायरस की वबा में हम लोग मुब्तला हैं, हम दुआ करेंगे तो परवरदिगार इस महीने के सदक़े इन तमाम वबाई अमराज से हमें निजात दिलाएंगे। हमें अपने आप को, सामने वाले को देखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि ईद कल हो या परसों हो, ये तो रुवत हलाल कमेटी को पता है कि ईद कब होगी, लेकिन हमारी जो अनवार शहर की खूबसूरत ट्रांसमिशन थी, वो आज उसका आखिरी दिन है। तो हमारे साथ बड़ी खूबसूरत सना खान भी होंगी, उनसे बातें भी होंगी, क्योंकि आज का दिन हमने सना खानी के लिए मुंतखब किया है। तो आज इस नात खान को हमने मधु किया है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्लाह का ठीक है। कौन सा कलाम पेश करेंगी? जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है। जी बिस्मिल्लाह, अता कीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, खूबसूरत कलाम पेश किया परवर शाह ने। और डफ पे तो नात का अंदाज़ ही अलग हो जाता है, क्योंकि यही वो डफ थी कि जब सरकार मदीने आए थे, तो वहाँ पर बच्चों ने जो मेरे आका का
इस्तकबाल किया था तो वो डब पे ही किया था। नाज़रीन इकराम, सना ख़वानी का सिलसिला जारी है। अभी बड़ी ख़ूबसूरत सना ख़वान, बड़ी ख़ूबसूरत लब लहजे की मालिक, मुख्तलिफ़ टी वी चैनलों पर आपने उनको मुलाहिज़ा किया, मेरी मुराद मरियम बख्तावर मलिक से है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम कैसी हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह से मसरूफियात आपकी चल ही रही होंगी और आपने हमें वक्त दिया, आपके शुक्रगुजार हैं। और इन्हीं के साथ ही कौसर फारूक, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है। नाज़रीन इकराम, नात वानी का सिलसिला जारी रहेगा और बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन अशर हमारे साथ हैं, अशर कादरी। अशर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? कौन सा कलाम सुनाएंगे अशर भाई? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, बहार आप से है। और कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हज़री का सबब बार बार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी, और कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी गस्ती, कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हज़री का सबब बार बार आप से है। और मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनेरी जालियों में यार गार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।
सियाह कार हुआ कार बड़ी नदामत है सियाह कार सियाह कार हो आका सियाह कार हुआ का दामत है और कसम खुदा कि ये मेरा वकार उसे है। बड़ा खूबसूरत कलाम, ये कलाम मेरी पहचान है नाजी, लेकिन तबीयत नासाज है, लेकिन रहा नहीं गया क्योंकि ये कलाम मेरी पहचान भी है और मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज रफीक ज़िया का लिखा हुआ कलाम जिसे सबसे पहले पढ़ने की सआदत हासिल मुझ खाकसार को हुई। नाज़रीन, नात ख्वानी का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। बच्चे को जज्बात में आ गया खुश आमदीद नाज़रीन, खुश आमदीद। आखिरी रात है सहरी की हमारी इस ट्रांसमिशन की, लेकिन कोशिश की हमने कि आप तक उन तमाम आवाज़ों को पहुंचा सकें जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तबीयत आपके सामने है, गला भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन हमने इस ट्रांसमिशन का जो मकसद वो बाखूबी निभाया है। T21 न्यूज़ में कल आपने देखा मुकाबला नात भी हुआ और मुसलसल सना खानी का सिलसिला जारी रहा और मज़ीद ईद के प्रोग्राम में भी आपके साथ रहेंगे। दुआ कीजिएगा हमारे हक़ में, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार मुझे हासिदों के शर से महफूज रखें। जहाँ हासिदों की बात आई है तो यहाँ पर एक शख्सियत ऐसी भी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मेरी मुराद मरियम से है। मरियम कैसी हैं आप? ठीक है मरियम, हर बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने भी ऐसे ही मेहनत की, बिल्कुल। आपके वालदैन, आपके भाइयों ने आपका साथ दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? इतनी बड़ी नाथ-ओ-नाज आप हैं, ये सरकार का करम है कि आप उनकी सनागोई करती हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि मरियम कैसे मरियम मलिक बनी, यहाँ तक कैसे पहुँची? अब्रार, मैं ये समझती हूँ ये अता करदा चीज़ें होती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये अता करी हैं, और नात ख्वां कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सारे बराबर होते हैं। और उसके अलावा मेरी नात ख्वानी के पीछे मेरी वालदा सबसे बड़ा अहम किरदार, अल्लाह और रसूल के बाद, और मेरे मरहूम बड़े भाई, आप यकीनन उनसे भी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका हाथ था, क्योंकि वो मुझे पहली मर्तबा मुकाबले में जो लाए थे वो आपके ही मुकाबले। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि मरियम मलिक जो है सबसे पहले नूरे मुजस्सम नातिया मुकाबले में 2006 की गालिबन बात है, 2005 की बात है, 2005 में इन्होंने मुकाबला विन किया था हमारी कौंसल की सना खान। आज इनको मधु करने की वजह भी नाज़रीन यही है, क्योंकि कई मरियम आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो होस्टिंग करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की, लेकिन वो रमज़ान के बाद वही डांस, वही भंगड़े, वही एक्टिविटीज़ उनकी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो वो दुपट्टा डाल के टोपी रख के बैठ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शूरफा हैं। ऐसा है
लेकिन आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप जानती हैं मेरे स्टेटस को, कि शुरू से ही मैंने मेहनत की है, जिस तरह से आपकी वालदा का आपको यहाँ तक पहुँचाने में हाथ है, मेरी माँ को भी आप जानती हैं, आपकी वालदा का, आपके मेरी वालदा की दुआएं हैं, करा है आपकी वालदा ने, अल्लाह पाक उनको सलाम। अच्छा, कभी सोचा था कि मैं उस मुकाबले को जीत के यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लोग मुझे इस तरह से जानेंगे और मैं लोगों को इस तरह से अपनी आवाज़ से अपनी दीवानी बनाऊँ? मैं ये समझती हूँ, मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं था। और कहा ना, करम रहा है, और कहते हैं ना, अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते, तो बस ये वहीं से ही मुझे हुआ है, और अल्लाह पाक का बहुत करम रहा है। स्ट्रगल किया है, लेकिन अल्लाह पाक ने कामयाबी भी हासिल कर। अच्छा, भाई की कमी तो महसूस होती बहुत होती है, पहली ईद होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, अब इंतकाल को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है दादी का, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई कम, बाप ज़्यादा थे। बिल्कुल, बाप ज़्यादा थे, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, और बहुत लड़े वो अपनी बीमारी से, बहुत ज़्यादा, और आपने बड़ी मेहनत की। नाज़रीन कराम, मरियम के भाई के लिए आप भी एक सूरह फातिहा का एक सवाब उनको पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि इनके भाई ने, और मेरे भाई भी, यानी कि मेरे भाई भी जवान ही थे, उनका भी इंतकाल हुआ, ये भाई ही हुआ करते हैं जो सबब बनते हैं कामयाबी का। और मेरे बाप, मेरा सब कुछ मेरा भाई ही था, जैसे आप हैं, जैसे मेरे भाई। अच्छा मरियम, अम्मी जो आपकी हैं, अभी भी कभी रोक टोक होती है घर में कि नहीं जाओ, लेट हो जाती हो कभी, क्योंकि आपकी नशियात तो जारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, और अल्लाह का करम, मैं गाड़ी लेके जाती है, गाड़ी छोड़ के आती है, और आपको पता है ट्रांसमिशनों में देर सवेर हो जाती है, लेकिन ऐसी रोक टोक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी की बहुत सपोर्ट है मुझे। परवरदिगार आपको इसी तरह से हौसला और ज़िक्र रसूलुल्लाह अदा करने की तौफीकात अदा करे। आमीन। तो मरियम, आज कौन सा कलाम सुना रही हैं आप? मेरी अम्मी का बहुत फेवरेट कलाम है, दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा। बिल्कुल, दरे नबी पे पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी मरहूम का कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, وسلم عليك يا حبيب الله در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے काम होगा दरे नबी पर पड़ा रहूँगा पड़े ही रहने से काम होगा और कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा मैं तेरा दे छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा और खिलाफे माशोक कुछ हुआ
कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशोक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, कि खुदा भी होगा उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। और कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। ज़ुल्फ़िकार भाई की याद को ताज़ा कर दिया, क्योंकि ये कलाम ज़ुल्फ़िकार भाई की पहचान रहा है और परवरदिगार ने इसी कलाम के सदक़े उनको ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी बनाया। परवरदिगार उनकी रूह को भी इस कलाम का सवाब, और मेरे भाई आपके भाई और नाज़रीन जितने भी स्क्रीन के उस तरफ हैं, परवरदिगार तमाम ही के मरहूमिन को जवान रहमत में जगह अता फरमाए। हमारे साथ एक और हमारी बहन है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है भाजी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कलाम पेश करेंगे? तैबा बड़ी दूर का, तैबा बड़ी दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, मेरी आका मेरी सरवर मेरा बेड़ा पार हो, तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो, मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो, तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो, नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार हो, आपका मंगता आपका साइल हाजिरे दरबार हो, आपका मंगता आपका साइल हाजिरे दरबार हो, तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मुहम्मदिन, रो रो वक्त गुजारो कैसे अब तो बुलावा आ जाए, मुझदा मुझको हाजिरी का काश कोई सुना जाए, दिल को सुकून मयसर हो और रूह को चैन भी आ जाए, मैं ही तैबा जा पहुँचूँ यार दिल में तैबा समा जाए, तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर, मीठा मदीना दूर है जाना भी ज़रूर है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मुहम्मदिन, रहमत आलम तेरा लक़ब है तेरी ऊँची शान है, सारा आलम तेरा भिखारी तू सबका सुल्तान है, तुझसे गम के मारो का तो मुझ पे ही बस मान है,
पास बुला लो अब तो आका, मुद्दत से अरमान है तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, मीठा मदीना दूर है जाना भी ज़रूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौसर फारूक, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने पेश किया, लेकिन इस कलाम की मुझे समझ नहीं आई, जिस शायर ने लिखा होगा अपनी सोच रख के लिखा होगा, तैबा दूर भी है और जाना भी है। अच्छा, पहले उनको बता भी दिया कि दूर है और जाना भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दूर हो या नज़दीक हो, सच्चे नीयत कर ले अगर और वहाँ से बुलावा आ जाए तो दूर का शिकवा ख़त्म हो जाता है। वो दूर 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 की बात तो है ही नहीं, वो हमारे बहुत नज़दीक, हमारे सीने में है, हमारे रूह में है। क्यों मरियम, क्या कहेंगी आप इस बात? मदीना वैसी मौजूद है और जिसकी तड़प ज़्यादा होती है जमजम उसी को मिलता है। अब ये दूर है और जाना भी ज़रूर है, तो ये खैर अच्छा कलाम है। परवरदिगार जिसने कलाम लिखा है उसने अपनी सोच रख के लिखा होगा, क्योंकि हर शायर की एक अपनी सोच हुआ करती है। ठीक है, तो एक छोटे से बच्चे हैं हमारे साथ, बेटा क्या नाम है आपका? अली अब्बास। कौन सा कलाम पेश करेंगे आप? मोहम्मद हमारे परेशान वाले। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। खुदा जिस किसी ने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुजम्मिल पुकारे, जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, जब आए हमारे फलक ने जमीन पर बिछाए सितारे, उठे सर जमीन अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, अली अब्बास बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे, बेशक मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नाज़रीन, नात का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ناظرین اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر. علی عباس نے خوبصورت ماحول بنایا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, بڑا خوبصورت کلام پیش کیا. اور ناظرین طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس ٹرانسمیشن کو کر رہے ہیں کیونکہ آج کی ہماری آخری سحری ٹرانسمیشن ہے یہ. الوداعی کلام بھی پیش ہوگا اور دعا کیجیے گا پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں اس وبا سے نجات دلا دے. تجھے واسطہ ہے اسی محمد کا اور اسی محمد کے نواسے کا کہ ہمیں اس وبا سے نجات دلائیے. ہم نہیں برداشت کر سکیں گے اتنا بھوک افلاک. خیر باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور چلتے ہیں عاشر کی طرف. عاشر آج کون سا کلام سنائیں گے؟ میری پہچان اللہ پاک نے اس کلام کے صدقے بہت ساری عزتوں سے نوازا. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی نام سے میرے گھر پہ رحمت ہوگی. کلام عاشر ہمارے پورے رمضان ثنا خانوں کو لے کے آنا لے کے جانا ان کی ذمہ داری. عاشر کیسا لگا پوری ٹرانسمیشن میں؟ ماشاءاللہ کوآرڈینیشن بہت اچھی رہی اور جتنے بھی ثنا خواہ ہیں انہوں نے اپنی عقیدتیں بہت اچھی طرح پیش کریں. اور جو میرٹ پہ نعت خواہ تھے ماشاءاللہ, جو بیک پر تھے جو سامنے فرنٹ پہ نہیں آ رہے تھے وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی عقیدتیں پیش کری ہیں. تو کبھی مشکلات کا سامنا ہوا, کوئی پڑھ کے نہ جا سکا اور اچانک سے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے بلا لیا اور پڑھوایا نہیں؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. جس نعت خواہ کو بلایا, اور کبھی اگر ایسا ہوا بھی تو اس کو فوراً اگلے دن بلا لیا گیا. کبھی دل آزاری نہ ہوئی. یہاں پر 30 دنوں میں نے دیکھا یہاں کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی. چلیں آپ بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں, میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا انشاءاللہ. چلتے ہیں آپ کے کلام کی طرف. کلام پڑھیے کیونکہ یہی مسکراہٹ یہی ہنسی ہمارے چہروں پہ رہنی چاہیے کیونکہ یہی اندر کا اور باہر کی باتوں کو محسوس کرتی ہیں. عاشر بڑا سمجھدار بچہ ہے اور بڑا خوبصورت پڑھتا ہے, اور ذوالفقار بھائی کو جتنا اچھا یہ پڑھتا ہے شاید کوئی پڑھ پائے گا. تو نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, اس لیے میرے گھر پہ رحمت ہوگی. اللہ پاک آپ کے گھر پہ رحمت رکھے. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار اور ان کو مختار, ان کو مختار, ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. ہاں ان کو مختار بنایا سکتا ہے, جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. اور حشر کا دن
हश्र का हश्र का दिन भी अजब देखने वाला माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आशिर। परवरदिगार आपको इसी तरह से पढ़ता रखे, लोगों के दिलों में जगह बनाते रहिए, और कोशिश है कि आप मज़ीद अच्छा पढ़ेंगे और मज़ीद जगहें बनाएंगे, और बड़ी मेहनत रही आपकी। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप पूरे रमज़ान मेरे साथ थे। जज़ाकअल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ मैंने काम किया, और माशाल्लाह जिस तरह से लोगों का हम लोग पे सपोर्ट रहा और जिस तरह हमें सब ने सपोर्ट किया, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारी तमाम काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। और आज आखिरी दिन है तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी जितनी भी इस पूरे महीने की काविशें रही हैं, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनको कबूल मंजूर फरमाएं। और इंशाल्लाह अगले साल हम आपको फिर इस चैनल पर या यहाँ नहीं तो किसी और चैनल पर इंशाल्लाह ज़रूर यही रहेंगे, और ईद के शो भी यही होंगे। और अगले साल हो या आने वाला साल हो, परवरदिगार आलम से ये दुआ किया करें कि अगर मुझसे कोई गलती कोताही या मेरी टीम से कोई गलती कोताही होती है तो उसे दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि आखिरी लम्हात हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन के इस प्रोग्राम को सजाने के लिए सिर्फ आपको मैं नज़र आता हूँ, लेकिन इसकी लाइटिंग, इसकी आवाज़, साउंड सिस्टम, कैमरे के पीछे, ठीक है, जो मेरे सामने जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो बदर भाई हैं, अल्लाह पाक बदर भाई की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और यहाँ अली भाई हैं, अली भाई को परवरदिगार अपनी इफ्ज़ो मान में रखें। और साजिद भाई हैं, ठीक है, साजिद भाई ने तो बहुत कोऑपरेट किया, नाथानों के लिए रूम खोलना, उनको बिठाना, फिर शहरी के अंदर उनको शहरी करवाना, और बड़ी मेहनत रही है। और कामरान भाई हैं, रूफ़ी भाई हैं हमारे ऑडियो के, और जो जो लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, फैसल भाई हैं, फाइक भाई हैं हमारे, ठीक है, और मैं इन सब के अनवार भाई हैं, ठीक है, और यूसुफ है, मेकअप आर्टिस्ट सना है, और सना तो खैर हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, और कश्माइल, और भी जिन जिन के नाम मैं नहीं याद आए मुझे, अगर लेकिन जिस जिस के नाम अगर रह गए हों तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। सलमान है हमारे साउंड जो प्ले करते रहे, बहुत मैंने उनको डांटा भी, लेकिन भाइयों की तरह उन्होंने मुझसे भाइयों की तरह रहे, क्योंकि नाज़रीन ऐसा हो जाता है कि कभी आवाज़ नीचे कभी ऊपर, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, आइंदा भी हमारे साथ वो होंगे। अली भाई हैं हमारे SMD वाले, ठीक है, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, भंड तो मारे थोड़े थोड़े लेकिन अच्छा रहे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। साजिद भाई, बदर भाई, अली भाई, सना, और भी जितने यहाँ पर हमारे टेक्निकल जो भी हैं डिपार्टमेंट, हमारे फुरकान भाई, गुफरान भाई, सबको मैं आज इस ट्रांसमिशन के तवसुल से ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप सबको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या इन दिनों में कोई मेरी बात नागवार गुजरी हो तो मैं माज़र चाहूँगा, आप सबसे ही माज़र चाहूँगा, वो अलग बात है कि आप मुझे माफ़ ना करें, ठीक है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं माज़र चाहता हूँ आपसे। तो नाज़रीन कराम आखिरी लम्हा है और रमज़ान हमसे जुदा होने जा रहा है, और बड़ा इंतज़ार हुआ करता है हमें इस माह मुबारक का, क्योंकि ये महीना अल्लाह और उसके हबीब का पसंदीदा महीना है, और इस महीने में हमें कुरान पाक जैसी नेमत अता हुई। तो मरियम आप रमज़ान का कलाम पेश करें और फिर हम नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, और सहरी की तैयारी भी आप देखिएगा, लेकिन मेरा और आपका वक्त यहीं तक का था, यहीं तक का साथ था,
ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन भी आपके साथ मुलाकात रहेगी, लेकिन सहरी की तैयारी जो है हमारे मेज़बान, देखते हैं आज वो कहाँ जाएंगे और सहरी की तैयारी कहाँ करेंगे। एक छोटी सी नेकी का सेगमेंट भी होगा, लेकिन मैं आपसे स्टूडियो से इजाज़त चाहूँगा मरियम की नाज से, एक खूबसूरत कलाम जो रमज़ान हमसे बिछड़ रहा है। मरियम, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर रही हूँ। कल बेआशिक है अपारा पारा। मरियम, रोज़े पूरे जाते हैं लोगों के, और इस कुछ जिनके रह जाते हैं वो पछतावा करते हैं कि हमने रोज़ा छोड़ दिया, फिर वो अगले साल का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज या कल रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। तो इसी के हवाले से कोई कलाम पेश कीजिए। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा माह रमज़ान, अलवदा माह रमज़ान, अलवदा माह रमज़ान, तेरे आने खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और अलवदा